इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिलें, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद। हाय, वेलकम टू एफएसए एंटरटेनमेंट। मैं बीबी के ग्रुप में हूं और उनकी प्रीमाइसेस पे सायन में विद द बीबी के टीम, एंड वी हैव अ स्पेशल गेस्ट हु हैज कम हियर एज वेल इनविटेशन पे। वालेकुम सलाम इमरान भाई एंड मूसा भाई। इब्राहिम भाई, ये बकरा जो है पब्लिक ने ऑलरेडी देख चुकी है और बहुत फेमस बकरा है ये। बताइए इस बकरे के बारे में। भाई इसका नाम फ्लफी है और अल्हम्दुलिल्लाह भाई चीज़ की तारीफ क्या करें भाई, अल्लाह की तरफ से ही है, अपना तो कुछ नहीं है, बस पैसा लगा है। बाकी माशाल्लाह चीज़ आपके सामने है कि व्यूअर्स भी देखेंगे तो खुद समझेंगे। देखो मुंह से तो हर कोई अपनी चीज़ की तारीफ कर लेता है, बट बकरा अपने आप में खुद एक जवाब है। सो ये कश्मीरी बकरा है, अंडुल है राइट? अंडुल है जी भाई, अंडुल है। और डिटेल्स क्या है इसकी? भाई डिटेल जस्ट फ्रेश इसने जो है ना 7 से 8 दांत लगाया है। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 kg पकड़ी है आप, क्योंकि था ज़्यादा वो नहीं बोल सकते, जो है अभी 100 kg पे है बकरा। ओके। और क्या हाइट है इसकी? भाई 37 पकड़ सकते हैं, 37। 37 हाइट जी जी भाई। ओके। और क्या हिस्ट्री क्या है इसकी, कहाँ से लिए थे, कहाँ पे पला है ये? सर में हिस्ट्री ऐसी है कि ये एक दोस्त थे सैफ के, तो उन्होंने एक फार्म पे रखा था। ओके। तो अपने एक भाई है, उन्होंने सैफ को बताया तो जाके देखे तो दो भाई थे ये, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इसके कान वगैरह सब सही थे। बॉम्बे का ही है? बॉम्बे का ही है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को पसंद आया था, थोड़ा ये पीला था, बट जब से आया तब से हर हफ्ते नहलाते उसको। ये अपनी पर्सनल कुर्बानी के लिए क्या बिक चुका है? फॉर सेल है ये? फॉर सेल है जी जी भाई। और ये सेल्फ फीडिंग है ना? सेल्फ फीडिंग पे भाई, सेल्फ फीडिंग पे बकरा है, कोई फोर्स फीडिंग नहीं इसका भाई। इसका पर्सनल में बताएंगे क्योंकि मजा नहीं है। ये तो चीज़ है, चीज़ चीज़ जो है आपके सामने है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बकरा लाके खड़ा कर दिए और उसके पैसे, बट कैसा है ये चीज़ का प्राइस जो है पर्सनल में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत हाई मेंटेनेंस है ना ये? जी जी भाई, कैसा खिलाना तो छोड़ दो, बट इसका नहाना तो ऐसा है कि आदमी 3 घंटा लगा देता है और दो दो तीन तीन आदमी लगते, कोई पीछे झालर को पकड़ता है। बाल वगैरह ऐसे टैंगल नहीं है? नहीं नहीं, उस पूरा मेंटेन करना पड़ता है, स्मूथ अल्हम्दुलिल्लाह। और बताइए किसके पास रहा है ये? वैसे वैसे ये बॉम्बे में जो है शाहरुख जी 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 भाई के पास ही रहा है कि यहाँ पे भी? असल में जो आया था फर्स्ट टाइम वो हमारे यहाँ पे आया था, बट हम लोग ने एक डिसीजन लिए क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम थी, तो हम लोगों ने जो है शाहपुर में जो है, अच्छा जो नया फार्म, हाँ तो शाहरुख भाई अपने इमरान भाई के भाई और हमारे रिलेशन उनसे अच्छे, तो कैसा किसी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था तो उनके पास हमने भिजा दिया था। ओके ओके। और आपसे पूछेंगे, बताइए फ्लफी के बारे में जो इन्होंने नहीं बताया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह से कश्मीरी में ये क्वालिटी में, कश्मीरी में काफ़ी सारे कश्मीरी आते हैं, लेकिन ये क्वालिटी में, ये बाल की क्वालिटी, फर की क्वालिटी और जो मतलब चेहरा है उसका, सिंह की क्वालिटी आपके सामने है फात भाई, और माशाल्लाह से बहुत ही नायाब कश्मीरी है ये। वैसे कश्मीरी तो मैं भी बहुत मरतबा जाता रहता हूँ, लेकिन ऐसे बकरे देखने में बहुत कम जगह मिलते हैं जहाँ पर मैं जाता हूँ, तो कौन से एरिया में, कश्मीर के कौन से एरिया में पाए जाते हैं वैसे? कश्मीरी कश्मीर के कौन से एरिया में पाए जाते हैं मुझे तो नहीं पता भाई, लेकिन नहीं आप पर्सनली शॉप किए कभी जाती कि नहीं? कश्मीरी का शॉप तो भाई ज़्यादा नहीं है हमारे को, लेकिन ये हाँ ये ऑनलाइन मतलब ये इब्राहिम भाई ने पहले ही बता चुके कि ये एक सैफ के एक दोस्त के पास था बकरा, ये कश्मीर में खासकर हमारा पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं वो मैदानी जंग के लिए? नहीं, ये कश्मीरी नहीं, नहीं ये नहीं, वो शायद अलग रहते, शायद उनके सिंह सिंगार वगैरह अलग रहते, लेकिन ये कैसा बहुत मतलब नायाब चीज है, वो हिसाब से इसके सिंग वगैरह बहुत, और जरा भी सिंग विंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है, हल्का सा यहाँ से आई थिंक कवर जैसा कुछ नहीं, लेकिन वो मायने नहीं रखता भाई, वो थोड़ा सा घस के उसने ये किया है, बाकी उसका ऐसा कुछ मतलब कुछ उसमें कुछ ये नहीं है, मतलब कुछ फॉल्ट नहीं है भाई। ओके सैफ भाई, आपको कुछ कहना है बकरी के बारे में? नाम क्या रखेंगे इसका? फ्लफी। फ्लफी नाम बिकॉज़ ऑफ द हेयर राइट? यस। और क्या है, हर साल रहता है कश्मीरी? हर साल रहता है, लेकिन हमारा नहीं, हमारे एक भाई है उनका रहता है, ये साल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने फ्लफी नाम का बकरा उधार है। ओके ठीक है। इमरान भाई, कश्मीरी तो बहुत कम आते हैं अपने फार्म पे भी, आई थिंक बहुत अच्छे बने भी है, लेकिन खसी है फात भाई, खसी बने खसी है फात भाई, अंडुल बहुत मुश्किल होता है ऐसे फात भाई, मेंटेन करना भारी काम है, दूसरा कुछ भी नहीं, क्योंकि क्या उनको नीलाना, एक्चुअली कश्मीरी देखो उसके बाल से ही खूबसूरती है उसकी। बॉम्बे के वेदर में बन जाते हैं बकरे?
ये तो आराम से बनेगा फात भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाल को संभालना बहुत भारी काम है फात भाई। जैसे आपने देखा इसमें कहीं पे भी जो पील नहीं खाए हुए है खत्म हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा कश्मीरी के। नहीं नहीं इसका मेंटेनेंस बहुत हैवी है, ये पर्सनल में अगर कोई पाले ना, जैसे भाई ने बताया हर हफ्ते नहलाना पड़ता, फात भाई उतना टाइम नहीं दे पाएगा ना फात भाई कि हर हफ्ता उसको नहलाए, तीन तीन घंटा लगेगा। इस वजह से भी शायद बहुत कम जन इसका शौक करते होंगे कि मेंटेनेंस हैवी है इसका। कोई भी जानवर जिनके बाल ज़्यादा है उनका मेंटेनेंस हैवी है, कोई भी जानवर समझे। तो अगर कोई क्वांटिटी में पालता है फार्म पे तो मेंटेन करना डिफिकल्ट है, लेकिन कोई 20-25 बकरे पालता है तो जी वो ना उसके लिए डिफिकल्टी है, उसके लिए डिफिकल्टी है। वंस अगेन प्राइस के लिए कांटेक्ट कीजिए ये दोनों भाई को, नंबर आपका क्या है? 9082353121। ओके, और सैफ भाई आपका नंबर क्या है? 9820145755। किसी को पर्सनली आके देखना है तो कहाँ पे आना पड़ेगा? महाराष्ट्र काटा पे, साइन महाराष्ट्र काटा के पास आके कॉल करिए, हम लोग रिसीव कर लेंगे। ठीक है, चलिए। वंस अगेन दिस इज फ्लफी, थैंक यू सो मच, अवेलेबल फॉर सेल बीबी के ग्रुप में, थैंक यू।